हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमने अपना ट्राउज़र रेडी कर लिया है। हम इसमें मोहरी बनाएंगे। आज हम आपको मोहरी बनाना बताएंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन में मोहरी बनाते हैं। इसके लिए हमने ये पेस्टिंग ली है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे पेस्टिंग को अपनी को, और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फिर अगेन फोल्ड करेंगे ऐसे। यहां से हम 1 इंच लेंगे चौड़ाई, और लंबाई लेंगे हम 3 इंच, और यहां से हम वी शेप दे देंगे इसको। इस तरीके से वी शेप देंगे। और यहाँ पे 1-1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पैरों का डिजाइन कट हो गया है। इस तरह से आएगा ये। अब इसको हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से रख के हम इसे प्रेस से पेस्ट कर देंगे कपड़े पर ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेस्ट कर दिए हैं। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे मार्जिन समेत इस तरह से। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ से फिनिशिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग कर दी है हमने। यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगाएंगे इस पर ऐसे, और अपना एक पहुँचा लेंगे जो हमारी ये सिलाई है सेंटर की, इस पे रखेंगे सेंटर में, और इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। जो हमारी सिलाई है इसे इस तरह से ओपन कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे सेंटर का निशान लगा देंगे इसमें भी। ये हमारी सिलाई है, यहाँ पे सेंटर में रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे।
इस तरह इसको यहाँ पे टर्न करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, इसी शेप में, जिस शेप में हमने इस सिलाई लगाई है इसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे ताकि अंदर की साइड फोल्ड हो जाए, और जो ये हमने रफ सिलाई लगाई थी इसको हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। में पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी लेंगे हम एक, यहां से इसको अलग कर देंगे। पट्टी को यहां से फिर रॉन्ग साइड रखेंगे इस तरीके से, और इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी पट्टी लेंगे। उसे भी यहां पे रखेंगे। और इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हमने जो ये पट्टी लगाई है इसको हम ऊपर की साइड यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है तो हमने इसमें कुर्ती की ही डिज़ाइन लगाई है। यहाँ पे हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हम इसको पूरे को फोल्ड कर देंगे। से अंदर से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपनी इस वाले हिस्से को फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है इस तरह से इस वाले हिस्से को भी फोल्ड कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तैयार कर दी है अपनी मोहरी। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसमें एक नॉट लगा देंगे तो ये डिज़ाइन हमारी बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह से, और हम इसकी फिटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी मोहरी रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी दोनों मोहरी रेडी कर दी हैं। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है इसका लुक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।